हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। यूजीसी नेट जे आर कॉमर्स के अंदर जो हमारी यूनिट चल रही है वो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड चल रही है, जिसका कि फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी तो आप प्लेलिस्ट में चेक करके वो वाली वीडियो देख लीजिए। आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पीछे भी हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी हम बहुत सारे टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए। अगेन आपका एक बार फिर से स्वागत है सुप्रज्ञा अकाउंट क्लासेज के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जैसे इसके आप एक बार सन याद कर लीजिए कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो कब आया, किसके रिकॉर्डिंग आया, तो कौन सा एक्ट था, 1986 के था। तो इंट्रोडक्शन क्या है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनकेड इन 1986। यानी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा लाया गया था, और कब लाया गया, 1986 के अंदर। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑन ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया, जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे इंडिया के कंज्यूमर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ में कोई जो है दुकानदार बेईमानी ना करे, उनके साथ में छल कपट का व्यवहार ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्या लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है। द एक्ट वॉज पास्ड इन असेंबली इन अक्टूबर 1986। जो है इसको कब पास किया गया था, असेंबली के अंदर 1986 को पास कर दिया गया था अक्टूबर के अंदर, एंड केम इन टू वर्स ऑन दिसंबर 25, 1986। यानी कि 25 दिसंबर 1986 को इसको क्या किया गया, लागू किया गया। बट इसको असेंबली में पास कब कर दिया गया था, अक्टूबर 1986 के अंदर जो है इसको पास कर दिया गया था। जो हमारे कंज्यूमर होते हैं और जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या है, एक सहायता प्रदान करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया था, कि उनके ऊपर कोई गलत व्यवहार ना कर सके, उनको सही दिशा निर्देश दिया जा सके, इसके लिए क्या किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। अगर मैं आगे बात करूं तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो भाई मेन ऑब्जेक्टिव यही थे कि भाई जो हमारे मार्केट्स हैं जो कंज्यूमर के लिए ही वर्क करे, जो हमारा मार्केट है वो किसके लिए वर्क करे, एक कंज्यूमर के लिए ही वर्क करे। और हमारा इसमें था द प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को चाहिए उसे प्रोवाइड की जाए, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उनको क्या किया जाए, उनको कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाए। इसके लिए क्या लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। आप इसकी भाई जो डेट है वो याद रख लेना, वही एक इंपॉर्टेंट पार्ट मान जाती है। अगर मैं आगे बात करूँ एजेंसियाँ क्या क्या हैं, भाई अगर मान लीजिए गलत व्यवहार होता है तो कंज्यूमर सहायता ले सकता है किनसे, जो हमारी गवर्नमेंट होता है, जो 1986 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, उससे क्या कर सकता है, उनसे सहायता ले सकता है। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो फॉर्म कौन से है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर्म पर अगर बात करें तो मेंबर कितने होने चाहिए, एक प्रेजिडेंट होता है उसके अंदर और 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए, एक लेडीज होती है, एक वुमेन होती है। इसके अंदर मेंबर की अगर मैं बात करूँ, अपॉइंट दिस ऑफ मेंबर, इनको कौन लेके आता है, मेंबर्स को कौन लेके आता है, बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाया जाता है। और लिमिट क्या है इसकी, अप टू 20 लैक्स। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितना भी मान लीजिए अगर कोई शिकायत दर्ज करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो हमारे अगर अप टू 20 लाख रुपए तक की अगर किसी के साथ धोखाबाजी हुई है तो वो कहाँ पर अप्लाई कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी क्या है गुहार लगा सकता है। अगर मैं बात करूँ स्टेट लेवल की, तो प्रेजिडेंट होता है एक एंड 2 मेंबर्स होते हैं, 2 और भी मेंबर होते हैं जिसमें से एक वुमेन का होना ज़रूरी है। ये भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं मेंबर। और यहाँ पर कितने रुपये तक की सुनवाई, जिसकी भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुनवाई नहीं हुई, जिसका निवारण नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, स्टेट लेवल पर जाएगा और वहाँ पर क्या होती है, 20 लाख से 1 करोड़ तक की अगर कोई धोखाधड़ी है या फिर कुछ भी काम उसके साथ में हुआ है, तो वो क्या जा सकता है, स्टेट लेवल के जो है एजेंसी के अंदर जा सकता है। अब अगर मान लीजिए स्टेट लेवल पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और उसका समाधान नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, नेशनल लेवल जो है बनाया गया है। तो उसमें क्या होता है, मेंबर्स कितने, एक प्रेजिडेंट होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं, तो 1 शुड बी ए वूमेन। यानी कि आपको कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पर जो वुमेन, तो एक वुमेन तो होनी ही होनी चाहिए। और ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक्सीडिंग 1 करोड़ जो इसकी वैल्यू रखी गई है, वो क्या रखी गई है कि भाई 1 करोड़ से ज़्यादा के अगर कोई केस हैं तो वो कहाँ पर आएंगे, वो हमारे नेशनल लेवल पर आते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो इसके अंदर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट था वो कब बनाया गया था, द 1999 के अंदर बनाया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड फेमा, जिसको कि हम फेमा के नाम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बहुत पॉपुलर नाम है। कि क्या हुआ, इसको कब लाया गया था, एक जून 2000 को इसको मेनली तो रेगुलेट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में इसको बनाया गया था। और इसको कब लाया गया, 2000 के अंदर लाया गया था, 1 जून को इसको लाया गया था, जिसको कि हम फेमा के नाम से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, फेमा की जो है ऑब्जेक्टिव ये थी, आप एक बार देख लीजिए। अगर आगे एक अगेन एक अच्छा सा टॉपिक है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इट इज ड्राइवर। अब आप यहाँ पर ड्राइवर, कार वाला ड्राइवर मत समझना। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैं एक बार ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करूँ तो वो क्या है, यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारा क्या होता है, जब हम अपनी कंट्री को पूरी दुनिया के साथ में लिंक कर देते हैं, एक कंट्री को अदर जितनी भी कंट्री है उनके साथ लिंक कर देना, वो क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट कम इन 1991, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडिया के अंदर कब लाया गया, 1991 को लाया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक, जो हमारे अपने देश की जो इकोनॉमिक है उनको बाकी देशों के इकोनॉमिक के साथ में जोड़ना, वो हमारा क्या कहलाता है जी, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जितने भी वर्ल्ड के जो है कंट्रीज होती हैं उनको एक साथ में जोड़ना और उनकी जो इकोनॉमिक होती है उसको एक साथ में जोड़ना, वो हमारा क्या कहलाता है जी, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब इसके ड्राइवर्स हैं कुछ, ड्राइवर्स का मतलब ये नहीं है कि जो गाड़ी चला रहे हैं वो उसका ड्राइवर्स है, वो ड्राइवर नहीं। इसको लाने के पीछे क्या रीज़न है, क्यों लेके आए गए, किस वजह से लाए जाते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स होते हैं, पॉलिटिकल ड्राइवर्स, मार्केट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कम्पिटिटिव ड्राइवर्स, इसके बारे में एक बार जानते हैं। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स की अगर मैं बात करूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स दैट क्रिएटेड ग्लोबल ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर कैसे आए हैं कि अभी हाल ही में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, जिससे कि हमारा ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो ये एक ड्राइवर्स हैं, ये इनको रन करवाते हैं, हमारे जो ग्लोबलाइजेशन को, हमारी कंट्री को ग्लोबलाइज करने के लिए रन करते हैं टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर। अगर मान लीजिए इंटरनेट आया है तो ये इंटरनेट क्या कर रहा है, हमारे ई बिजनेस को बढ़ा रहा है, हमारे ई कॉमर्स को बढ़ा रहा है, तो ये हमारे कुछ एक ड्राइवर्स माने जाते हैं। पॉलिटिकल ड्राइवर्स क्या कहते हैं भाई, पॉलिटिकल भी अगर मान लीजिए साथ देती है अगर कंट्री के, तो वो हमारे क्या है, ग्लोबलाइज होने में क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मार्केट ड्राइवर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ड्राइवर्स के अंदर है कॉमन कस्टमर नीड एंड द अपॉर्चुनिटी यूज ग्लोबल मार्केटिंग चैनल्स, जो है मार्केटिंग चैनल्स का प्रयोग करें, तो वो हमारी क्या है, हम अपना जो प्रोडक्ट है विदेशों में भी दर्शा सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है आज, हमारे जो देश का जो प्रोडक्ट है वो हम अपने विदेशों के अंदर भी दर्शा सकते हैं। उसका काम क्यों करता है, मार्केट ड्राइवर्स करता है, उसके लिए उनकी नीड को भी देखना होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट ड्राइवर्स हैं, हम अपने प्रोडक्ट को अगर अमेरिका में बेचते हैं तो उसके लिए हमारे क्या होना चाहिए, अमेरिका को इस चीज़ की नीड होनी चाहिए, तो ये क्या है, मार्केट ड्राइवर्स के अंदर आता है। कॉस्ट ड्राइवर के अंदर क्या है, हम हमारी जो इकोनॉमिक है उसकी जो कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो है ग्लोबलाइजेशन होने में वो फ़ायदा कर सकती है। कंपटीटिव ड्राइवर्स, ये हमारे कुछ एक ड्राइवर्स होते हैं जो हमारे ग्लोबलाइजेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ये इनके ड्राइवर्स हैं, आप एक बार इनके ड्राइवर्स देख लेना, ये ज़्यादा मेन चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, हम हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, जिसका कि आपको ये दिख रहे हैं, एक्सपोर्टिंग है, ज्वाइंट वेंचर है, स्ट्रेटेजिकल अलायंस है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग है, ग्रीन फील्ड वेंचर है, आउटसोर्सिंग है, ट्रेन की प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ एक प्रोजेक्ट हैं, बट मैं आपको एक बार मेन प्रोजेक्ट जो करवा देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो हमारा क्या क्या कहलाता है, वॉलेंट्री फॉर्मल एग्रीमेंट, वो है वॉलेंट्री फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, जो दो देशों के बीच में किसी भी बिजनेस को ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठे आते हैं, टू अचीव कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारे दो देश के मान लीजिए कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको कि वो लेकर के आए हैं और उसको क्या करना है, पूरा करना है, दो देश इकट्ठे में आए और उनको ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। मेनली डन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, जो हमारी इसके लिए किसके लिए लाया गया था, ये कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए एंड इंक्रीज करेंगे मार्केट शेयर के अंदर, तो हमारी ये क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम क्या है, तब्दील हो सकते हैं, हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर हम आगे बात करें, ग्रीन फील्ड वेंचर क्या होता है, ग्रीन फील्ड वेंचर एक तो है और एक ब्राउन फील्ड वेंचर होता है।
तो हमारी ये क्या है, ए न्यू होल सब्सिडरी इज एस्टिवाइज्ड। ये क्या है कि हमारे जो दूसरे देश के अंदर एक नया बिजनेस को सेटअप करना, नए बिजनेस को लागू करना, हमारे एक नई जो है बिजनेस है वो आज तक कभी उस प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो का एक अगर हम बिजनेस की बात करें, तो आज से 5 साल पहले कोई भी जियो को नहीं जानता था कि भाई कोई जियो भी नाम की कोई कंपनी है। इस प्रकार की एक नई एंटिटी को स्टैब्लिश करना वो हमारा ग्रीन फील्ड वेंचर के अंदर आता है। नॉट ए टेक हेल्प टू एनी अदर बिजनेस मोस्ट एक्सपेंसिव वे। जो ये हमारा ग्रीन फील्ड वेंचर होता है वो एक बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, हम ये मान सकते हैं। तो ग्रीन फील्ड वेंचर का मतलब क्या है कि हम एक बिजनेस है, एक नया बिजनेस है, उसको एक नई तरीके से शुरुआत से अगर हम किसी बिजनेस को बिल्डअप करते हैं तो वो हमारा ग्रीन फील्ड वेंचर के अंदर आता है। आउटसोर्सिंग की अगर बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, सम वर्क इन ट्रांसफर्ड टू आउटसाइड सप्लायर्स। हमारे आउटसोर्सिंग की बात करें तो कोई एक ऐसा काम जो बिजनेस को दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड कर देना ताकि वो हमारे लिए वर्क कर सके। आउटसोर्सिंग अगर मान सकते हैं हम, ये क्या है कि भाई अपन कोई भी एक अपना काम है जो बिजनेस का दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड कर देना, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग बिजनेस कहलाता है। सम वर्क इन ट्रांसफर्ड टू आउटसाइड सप्लायर्स, जो हमारे आउटसाइड सप्लायर्स होते हैं उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारा वर्क्स, तो वो हमारा आउटसोर्सिंग के अंदर माना जाता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं, टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होते हैं, डिलीवरी ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट टू द क्लाइंट। और हमारे ये इसमें क्या कहलाता है, जो हमारे टर्नकी प्रोजेक्ट में क्या है, अपना काम किसी अदर से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करवाना। वो हमारा जो आउटसोर्सिंग था वो तो क्या था, हम अपना बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे बिजनेस को दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। बट टर्नकी प्रोजेक्ट में क्या है कि हम अपना काम किस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर करवाते हैं तो वो हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट के अंदर आता है। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं, मेन टाइप्स होते हैं इसके, कुछ टाइप्स होते हैं बिजनेस में इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर तब्दील होने के, इंटरनेशनल बिजनेस में मतलब एंट्री होने के लिए कुछ एक टाइप्स होते हैं, तो इसमें इसको याद रख लेना, BOD होता है, BOLT होता है, BOOT होता है। BOD से क्या है, इसको आप देख पा रहे हैं, BOD से एक मान लीजिए मेन टाइप होता है और एक BOLT होता है, BOOT होता है। तो ये हमारे कुछ एक टाइप्स माने जाते हैं बिजनेस के अंदर एंटर होने के। तो ये कुछ एक टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपके सामने क्लियर किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि नेट JRF कॉमर्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और अगर आपने पीछे जो अगर वीडियो नहीं देखी तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लीजिए जो हमारी प्लेलिस्ट आपको दी हुई है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।